नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? कुशाल टंडन। टंडन देखिए, कुशाल टंडन। उम्र? 28। पिता का नाम? वीरेंद्र टंडन, वीरेंद्र कुमार टंडन। 29 वर्ष, 28। स्वास्थ्य किधर है आपका? सर दोनों सही है। नहीं, थोड़ा एक फर्क होगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, अंदर ले जाओ ऐसा, इसमें खुला, दोनों खुलो। लेफ्ट है चंद्र नाड़ी। ओके। तेरा भी जो माता है सूर्य का है और मुख शुक्ल पक्ष है, तो बचपन से जिद्दी, हट्टी, चंचल और भयंकर बाल्यावस्था बुद्धि है तेरी। कौन सी बुद्धि? बाल्य बुद्धि। अपने आप को भयंकर होशियार, चालाक, चतुर, चाणक्य समझते हो, मगर थोड़ा मूर्ख कुंडली है। वैसे 22-23 वर्ष से लेकर अभी तक तेरा जो भी कार्य में लगे हो, अभी तक सिद्ध भाग्य नहीं हुआ है तेरा, और तेरा कला एक्टिंग का योग नहीं है, बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं, और तू कितना भी प्रयत्न कर, एक्टिंग में तेरा प्रख्यात सुप्रसिद्ध योग नहीं आएगा। अरे वो सुपरस्टार है। और तेरा भाग्य में 30 और 31 वर्ष से तेरा योग बहुत अच्छा है, एक्टिंग के अलावा अन्य काम में, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या चित्र बिजनेस करना, डीओपी। हाँ, ऐसा योग तेरे भाग्य में आएगा। 40वां दिन, शाम 7:30 बजे। सरनेम क्या है तेरा? बैनर्जी, बंगाली हूँ मैं। बंगाली। हाँ, कब होगी शादी, कौन सी उम्र में? अभी क्या उम्र चल रहा है तेरा? 22। तेरा शादी होगा 32 वर्ष में। इतने टाइम में? टाइम में तू तब तक कला इंडस्ट्री में बहुत सफल रहोगी। अच्छा, अभी तेरा अफेयर एक चल रहा है? अभी अभी खत्म हुआ है, 2 महीने पहले। वही, ये दूसरा अफेयर रहा तेरा। इससे पहले एक तेरा 1.5-2 साल का योग आया था, बाल्य प्रेम, बुद्धिभ्रष्ट जैसा था वो, और ये जो भी खत्म हुआ अच्छा हुआ। अच्छा। हाँ, ये लड़का ठीक नहीं था। अच्छा, क्या नाम था उसका? मकरंद। वही, एम से। एम से। हाँ, योग्य हो गया। और अभी तेरे लाइफ में 2014 में आएगा लड़का। अच्छा। 15 जून के बाद। और बहुत धनवान, मतलब नामचंद और मीडिया का ही रहेगा। अच्छा, उसी से शादी होगी? उसी से होगा, उसके साथ कई साल तेरा अफेयर होके शादी होगा। अच्छा। और बहुत बड़ा एक्टर रहेगा वो। अच्छा, दिखने में अच्छा रहेगा, तो अच्छा ही रहेगा, हैंडसम रहेगा, सुंदर, तेज रहेगा। और यहाँ का योग कैसा है? मैं ये नहीं जानना चाहती कि मैं कब तक रहूँगी या क्या होगा। हाँ। अच्छा है या बुरा है यहाँ का योग? यहाँ तुझे अच्छा है, शुभ है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद, कल्याण, जय बालाजी। रात 7:45 बजे। ये हमारे कप्तान हैं अभी। ठीक ठीक, इनको वो वाला बिस्तर जो आपको दिखाया है, ये हमारे अभी कप्तान हैं। और ये हमारे, देखिए, ये राजयोग, असली राजयोग, ये राजयोग में है। क्या नाम है इसका? हेवन। हेवन जी, विदेशी है ये। पंडित जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम? पंडित जनार्दन। पंडित जी जनार्दन, आपस में सब मिलके रहते, उसके लिए भी देखिए राजयोग इसको कहते हैं। खाना उनके लिए पहले पकता है, बराबर, भाई साहब के लिए, और सब आप सेवाधारी हो सारे इसके, हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हो। और आपको जैसे दिखाया, भगवान लक्ष्मी पुत्र है वो, और भाई साहब का बिस्तर है, बिस्तर है, लक्ष्मी पुत्र है वो। हाँ, नसीब है, नसीब है। नमस्कार, बैठिए। और सीरियल में ख्याति रही अच्छी? हाँ हाँ, काफी अवार्ड्स, अवार्ड्स मिले, नाम मिला बहुत, काफी। अभी उम्र क्या है? 35 है। तेरा भी जैसे 18, 19, 20 से ही कला में प्रयत्न चालू किए। हाँ। और 24 और 30 में काफी अच्छा रहा तेरा, बढ़िया। हाँ हाँ। 30 से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, ये जरा सा 3-4 वर्ष तेरे जरा स्थिर नहीं जा रहे हैं। शादी एक भंग हुआ, एक मैरिज भंग अभी हुआ, और वो शादी 2.5-3 साल मुश्किल से टिकना। 10 साल की शादी थी, लेकिन 10 साल में से 2.5-3 साल तेरे ठीक रहे, बाकी तुम पति पत्नी एक बेडरूम में रह के नहीं जैसे थे। तेरा कोई शारीरिक संबंध बिम्बंध कुछ नहीं था। नाम के लिए, क्या नाम था पति का? बंटी। बंटी नेगी। हाँ, बंटी नेगी।
ठीक ठीक अच्छा हुआ भंग हो गया, तेरा सेकंड मैरिज होगा। अरे बाप रे, नहीं नहीं मुझे नहीं करना। होगा पति बहुत देवता जैसा। अरे बाप रे, मुझे नहीं करना। 37-38 में होगा। अरे बाप, और एक संतान भी होगी तुझे। अरे बाप रे, अवश्य। एक है मेरी बेटी है। एक है और एक होगा, पुत्र होगा। अरे बाप, और सेकंड विवाह तेरे 100% लिखा है। मुझे चाहिए ही नहीं पंडित जी। उस समय में तेरी बुद्धि मानेगी, तेरी इच्छा होगी, तेरा मन होगा। क्षण में ग्रह चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। सही बात है। हाँ, पर ये दीपावली के बाद तेरा बुढ़ापा तक समय अच्छा है अभी। यहाँ अच्छे से हो, आशीर्वाद। बिल्कुल आशीर्वाद। जय बालाजी गोविंदा। बिग बॉस, आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है पंडित जनार्दन का घर से विदा लेने का। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सब उन्हें विदाई दें और उन्हें कन्फेशन रूम तक पहुंचा दें। ठीक है, चले। हाँ। देखो, अभी वो प्रस्थान करने का योग आ गया। बाहर जाके आप अच्छे से पी लेना। हाँ हाँ, ठीक है। यार ये कैसा झेल रहा अंदर यार? अगर अगर मैं हेवन से कुछ सवाल करूं, एंडी आप जवाब दोगे? हाँ हाँ दूंगा। हेवन, हेवन घर में आपका सब लोग ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? बताओ। कौन सबसे ज्यादा रख रहा है और कौन नहीं? अच्छा, मेरे बोला हेवन ने कुछ बोला, 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 बोला। सबसे फेवरेट बंदा घर में है आसिफ। आसिफ, उसके बाद आता है एंडी, और सबसे जो मुझे चिढ़ाते हैं बहुत ज्यादा वो है प्रत्यूषा और काम्या। ओहो, चिढ़ाते हैं। डॉग लवर है। चल चल, क्या से हट हट। देखो बता रहा है मुझे। ऐसा नहीं करते, प्यार करती हूं उसको, लेकिन मुझे डर लगता है। हेवन, आज जो चार नॉमिनेट हुए हैं उनमें से हेवन किसको नहीं जाना चाहिए घर से बाहर? अच्छा, जो नॉमिनेटेड है उनसे। अरे कुछ और बोलना चाह रहा है? अच्छा, ओ ये चाहता है कि एली ना जाए। एली ना जाए? हाँ, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है। अबे कुत्ते कमीने, एली को तो बाहर भेज। वो तो वो है। आसिफ को फेवरेट बोल रहा है और एली को रोक रहा है, ये क्या यार? ये तो समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा एक और, तनीषा इसके कान साफ करती है तो वो भी ना जाए, वो कह रहा है कान साफ। तनीषा और... भी ना जाए। हाँ, तो ये किसी को बाहर भेजेगा कि आसिफ फेवरेट है, ये किसी को बाहर भेजेगा या बोलेगा चलो आज इस बार कोई नॉमिनेशन नहीं है, सलमान खान घर जाओ। खुशहाल प्रत्युषा, चिल गाइस, रिलैक्स, आई विल बी बैक।